पृथ्वी को एक नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है ये एक ऐसे पदार्थ के कारण है जो हर जगह विद्यमान है पृथ्वी की सतह पर, में में और वायुमंडल पदार्थ है जल। आइए देखें कि किस प्रकार अपने विशेष भौतिक गुणों के कारण ये सजीव जगत के लिए एक अद्वितीय पदार्थ बन गया है आइए इसके अनेक उपयोगों की खोज करें जल का अणु आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है केवल एक नैनोमीटर अर्थात एक मिलीमीटर के दस भाग के बराबर ऑक्सीजन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। इस प्रकार इस अणु का और स्वयं जल का सुप्रसिद्ध रासायनिक सूत्र है एच टू ओ ये सर्वविदित है लेकिन इसका क्या अभिप्राय है इन मॉडलों में लाल गेंद ऑक्सीजन को और सफेद गेंद हाइड्रोजन को दर्शाती है ध्यान दीजिए कि यह अणु रैखिक नहीं है इसकी आकृति इस प्रकार मुड़ी है कि एच ओ एच का आबंध कोण 104.5 डिग्री है दो अकेले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युगल के कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का आबंध कोण हो जाता है दशमलव पांच सह संयोजी आबंध है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और इसलिए यह सहभाजी इलेक्ट्रॉन युगल अपने निकट खींच लेता है परिणाम स्वरूप अणु का हाइड्रोजन की ओर का सिरा आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन की ओर का सिरा आंशिक ऋण आवेश उपार्जित कर लेता है अनेक स्थितियों में जल का यह गुण व्यक्त होता है इस आवेशित छड़ को जल की एक पतली धार के पास लाएं। जल की धार विक्षेपित हो जाती है जिससे आवेशित कणों की उपस्थिति सिद्ध होती है अर्थात जल के अणु की ध्रुवीय प्रकृति यदि हम इसी प्रयोग को हेक्सेन की धार के साथ दोहराएं, तो हम कोई विक्षेप नहीं देखते हेक्सेन एक अध्रुवी द्रव है। अधिकांश पदार्थों के लिए हम कह सकते हैं कि उनकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था के घनत्व से अधिक होता है इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है जल बर्फ अल्कोहल में डूब जाती है लेकिन जल में डूबने की बजाय तैरती है इसका अर्थ यह हुआ कि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम है अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण एक अणु के घन हाइड्रोजन का सिरा दूसरे अणु के ऋण ऑक्सीजन के सिरे को आकर्षित करता है और एक बंध बनाता है यह बंध हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं जो लगातार बनते और टूटते रहते हैं तथा केवल 10 पी सेकेंड तक ही बने रह पाते हैं ये बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं लेकिन इन बंधों की संख्या काफी अधिक होने के कारण इनके प्रभाव को लगातार महसूस किया जा सकता है वास्तव में यदि हाइड्रोजन आबंध नहीं होते तो जल माइनस पचहत्तर डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल की गणना सर्वोत्तम विलायकों में होती है वास्तव में जल एक सार्वत्रिक विलायक के निकटतम माना जाता है आयनिक पदार्थ जैसे लवण जल में घुलनशील हैं, क्योंकि ध्रुवीय अणु Na+ तथा सी एल माइनस आयन के घटकों को घेर लेते हैं किसी क्रिस्टल के किनारे पर आयनों के बीच में आ जाता है तो ये उनके बीच के आकर्षण को क्षीण कर देता है ये उन्हें क्रिस्टल से दूर रखने में सहायता करता है आयनों के चारों ओर जल की परत उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देती है और उन्हें पुनः मिलकर क्रिस्टल बनाने से रोकती है यही कारण है कि पदार्थ ठोस अवस्था की अपेक्षा विलयन के रूप में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं शुष्क अवस्था में कॉपर सल्फेट पाउडर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियां परस्पर अभिक्रिया नहीं करती अब हम प्रत्येक को जल में घोलते हैं देखते हैं कि इन्हें मिलाने पर क्या होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का एकदम धुंधला निलंबन बन जाता है अधिकांश पदार्थों की तुलना में जल अत्यंत धीमी गति से गर्म होता है जल के ताप में वृद्धि करने के लिए इसे काफी अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है ऊष्मा के स्रोत को हटा लेने पर यह ठंडा भी काफी धीमी गति से होता है हाइड्रोजन आबंध का ये एक मजेदार परिणाम है ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होने में वो पदार्थ ताप परिवर्तन में कितना प्रतिरोध डालता है यही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का माप है जल की विशिष्ट ऊष्मा अत्यधिक है इसका मान 4.186 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है जो कि एथेनॉल से दुगना है और क्लोरोफॉर्म से चार गुना है और ये तांबा से दस गुना अधिक है इसका अर्थ ये हुआ कि किलोग्राम जल को उबालने के लिए आवश्यक ऊर्जा किलोग्राम तांबे को 800 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकते हैं यही कारण है कि गर्म पानी की ये बोतल ठंडा होने में काफी अधिक समय लेती है और कॉफी गाढ़े सूप की अपेक्षा देर तक गर्म रहती है और इसी कारण जल को एक शीतलक के रूप में उपयोग में लाते हैं सभी जीवों के शरीर में जल काफी अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है इसका एक परिणाम ये होता है कि परिवेश ताप में उतार चढ़ाव के बावजूद जीव अपने शरीर का आंतरिक ताप अपेक्षाकृत स्थिर रख पाते हैं झीलों तथा महासागरों का जल बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा को अवशोषित और भंडारित करता है तथा वर्ष की सभी ऋतुओं में स्थिरता बनाए रखता है ये तो हमने देखा जल पर विशिष्ट ऊष्मा का प्रभाव किसी दिए हुए ताप पर यदि तंत्र बंद है तो तीनों प्रवस्थाओं के बीच साम्यनस्था स्थापित हो जाती है आइए अब जल के एक दूसरे पहलू पर विचार करें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सामान्य पदार्थों में सामान्य परिस्थितियों में केवल जल ही पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है इस जल कोष्टिका को शुद्ध जल से भरकर सील कर दिया गया है जिससे कि इसमें वायु विद्यमान न रहे इस प्रकार इसमें केवल द्रव जल तथा जल वाष्प है को द्रव नाइट्रोजन में रखकर ठंडा किया गया बर्फ बर्फ, की एक परत बन गई। इस प्रकार यहां पे बर्फ, जल तथा जलवाष्प एक ही ताप पर साथ साथ रह पाते हैं वास्तव में बर्फ की इस सतह पर बर्फ लगातार जल के रूप में द्रवित होती रहती है तथा जल लगातार जल वाष्प के रूप में वाष्पित होता रहता है इसी के साथ साथ जल वाष्प जल में द्रवित होती रहती है इसी प्रकार पहाड़ पर जल 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और प्रेशर कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर उबलता है क्योंकि इसके अंदर वाष्प के कारण दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक हो सकता है शून्य डिग्री सेल्सियस के बर्फ की शून्य डिग्री सेल्सियस के जल में बदलने के लिए अत्यधिक 80 कैलोरी प्रति प्रति ग्राम, यानी लगभग 335 किलो जूल किलोग्राम की आवश्यकता होती है। इस ऊष्मा को जोसेफ ब्लैक ने संगलन की ऊपरी ऊष्मा का नाम दिया और यही कारण है कि किसी पेय पदार्थ को ठंडा करने के लिए ठंडे जल की अपेक्षा बर्फ के टुकड़ों को प्राथमिकता दी जाती है और इसी वजह से पहाड़ों की चोटियों पर वायु का ताप हिमांक से काफी ऊंचा होने पर भी बर्फ काफी समय तक विद्यमान रहती है इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पर जल 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम यानी लगभग 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा अवशोषित करता है इस ऊष्मा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं यही कारण है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप अधिक गर्म होती है और इस प्रकार की मशीनें काम करती हैं। अनेक जीवधारी अधिकांश ऊष्मा को वाष्पन शीतलन द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं और यही कारण है कि अधिक पसीना आने से शरीर को ठंडक महसूस होती है आमतौर पर वाष्पन द्वारा पर्यावरण पर ठंडक का प्रभाव होता है चाहे कोई पत्ते हो वन हो या फिर संपूर्ण भूखंड दिलचस्प बात यह है कि जल का हिमांक तथा क्वनाक दोनों ही काफी अधिक है जिस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है उसी ताप पर अधिकांश यौगिक गैसी अवस्था में रहते हैं उदाहरण के लिए जल का अणु द्रव्यमान अठारह है और इसका क्वथनांक सौ डिग्री सेल्सियस है। इसकी तुलना अमोनिया से करें, जिसका अणु द्रव्यमान सत्रह है जो कि जल के काफी निकट है इसका क्वथनांक माइनस तैतीस डिग्री सेल्सियस है और मिसेन जिसका द्रव्यमान सोलह है इसका क्वनाक माइनस एक डिग्री सेल्सियस है जल के एक गुण के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यह है जल का विलक्षण प्रसार जल बर्फ से भारी है परिणाम स्वरूप बर्फ जल पर तैरता है शीतकाल में झील तथा झरनों का जल ठंडा होना प्रारंभ होता है भारी होकर ये नीचे जाता है और नीचे का अपेक्षाकृत गर्म जल इसका स्थान ले लेता है इस प्रकार जल द्रव रूप में चार डिग्री सेल्सियस पर रहता है इस कारण जल में रहने वाली मछलियां पौधे तथा अन्य जीवधारी अत्यधिक ठंडे मौसम में भी जीवित रह पाते हैं जबकि झील तथा तालाब जम जाते हैं लेकिन ध्रुवों के निकट के भाग को छोड़कर अन्य स्थान पर महासागर नहीं जमते इसका कारण है इनका खारापन लवण की उपस्थिति जल के हिमांक को शून्य डिग्री सेल्सियस से माइनस अट्ठारह डिग्री सेल्सियस से से तक कम कर देता है किसी बर्तन भरे द्रव में गहराई पर स्थित अणु को सभी दिशाओं से एक साथ इसके निकट वाले अणु आकर्षित करते हैं ये एक रस्साकशी के खेल की भांति है जिसमें कोई भी नहीं जीतता अणु के ऊपर कोई नेट बल नहीं लगता अब द्रव की सतह के किसी अणु के बारे में विचार कीजिए इसके ऊपर कोई अणु नहीं है इसीलिए ये नीचे की ओर एक नेट बल का अनुभव करता है सतह के सभी अणुओं पर नीचे की ओर लगने वाला खिंचाव बल द्रव की सतह पर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न कर देता है द्रव की सतह एक पतली रबड़ की झिल्ली की भांति व्यवहार करती है जैसे किसी द्रव के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दूसरे पदार्थों के अणु भी उनको आकर्षित कर सकते हैं असमान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन कहते हैं यही कारण है कि जब वस्तुओं को जल में डुबोते हैं तो वो गीली हो जाती हैं और मोमिया पदार्थ गीले नहीं होते पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदें गोलाकार होती हैं और इसी पृष्ठ तनाव के कारण ही किसी बर्तन में जल को इसकी सतह से थोड़ा ऊपर तक बगैर गिरे भरा जा सकता है इस कीट को जल पर चलता हुआ देखिए जल की सतह की झिल्ली टूटती नहीं जहां पर इसके पैर जल को छूते हैं एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही ये कीट जल की सतह पर चल पाता है जल तथा कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी आसंजन जल के विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल यानी ससंजन से अधिक होता है इसीलिए किसी कांच के बर्तन की दीवारों द्वारा जल पर ऊपर की ओर खिंचाव बल लगता है और तल अवतल हो जाता है पारे के परमाणुओं में ससंजन पारे तथा कांच के बीच आसंजन से अधिक होता है इस नली में ऊपर चढ़े जल को देखिए इसे हम केशिका क्रिया कहते हैं केशिका क्रिया का कारण नली की दीवारों और जल के बीच आसंजन बल का अधिक होना है नली जितनी पतली होगी आसंजन बल उतना ही गुरुत्व बल के प्रभाव को कम करेगा और जल अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा पारा केशिका क्रिया को प्रदर्शित नहीं करता केशिका क्रिया के कारण ही जल कागज पर फैल जाता है या रसोई घर के तौलिए के धागों में फैल जाता है इसके बगैर आप बिखरे हुए द्रवों को साफ नहीं कर पाएंगे इस चौक के टुकड़े में स्याही के चढ़ने का कारण भी यही है केशिका क्रिया तथा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का ये बल ही किसी पेड़ में जड़ से पत्तियों तक की कई मीटर की ऊंचाई तक जल पहुंचाने में सहायक है जल की ध्रुवीय प्रकृति इसे एक अत्यंत शक्तिशाली एवं लाभदायक विलायक बनाती है इसके कारण ही विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन संभव हो पाती है हमने जल के कुछ रोचक गुणों को देखा इन्हीं गुणों के कारण समस्त सजीव प्रक्रमों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है अधिकांश पदार्थों का घनत्व ताप कम होने से बढ़ता है परंतु जल का घनत्व पहले अधिक होता जाता है और तापमान के चार डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर घनत्व कम होने लगता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा अधिक उष्माधारिता के कारण यह पर्यावरण के ताप नियंत्रण में एक प्रभावी बफर की भांति कार्य करता है जल एक प्राणभूत द्रव है शारीरिक क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम माध्यम है तथा सर्वोत्तम विलायक है जीवन का उद्गम जल से ही हुआ और ये इससे जटिल रूप से जुड़ा है और हमने इसको विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए अनेक तरीके खोज लिए हैं आइए इस कहानी को समाप्त करते समय इस अद्भुत अणु जल का अभिवादन करें जल चारों ओर जल हमें एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए कि इस अद्भुत एवं चमत्कारी जल के कारण ही इस सुंदर विशिष्ट नीले ग्रह पर हमारा जीवन संभव हुआ है